नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों ऑटोपुल से रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट आपके लिए हम इस वीडियो में लेकर आए हैं, जहां आज के दिन कुछ ऑटोपुल अपडेट हुए हैं, किस राउंड के ऑटोपुल अपडेट हुए हैं, क्या था अपग्रेड टाइम, पूरी डिटेल आपके साथ हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। साथ ही लेटेस्ट बैंक विड्रॉल प्रूफ की जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो आप वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको हर एक अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं ऑटोपुल की, तो आप यहां पर देख सकते हैं कोरल लेवल के थर्ड राउंड का ऑटोपुल अपडेट हुआ है, जो लगभग 256 डीपी का होता है। इससे पहले जो चार्ट अपडेट हुआ था वो 12 तारीख को हुआ था, और अगर आप वहां पर थर्ड राउंड की डेट देखेंगे तो वो थी 25/2/2019, और इन्होंने अपने लेवल को कोरल में अपग्रेड किया है 26/2/2019 को, और इन्हें यहां पर थर्ड राउंड 256 डीपी का ऑटोपुल रिसीव हो गया है। विड्रॉल कंडीशन आप देख सकते हैं, अवेलेबल बैलेंस आप देख सकते हैं, टोटल इनकम 296 डीपी आप देख सकते हैं। मतलब अगर आपने भी अपने लेवल को कोरल में 26/2/2019 को अपग्रेड किया है, तो आपको भी यहां पर कोरल लेवल का तीसरा राउंड 256 डीपी का रिसीव हो गया होगा, जो एक तरीके से कहें तो काफी बड़ा अमाउंट हो रहा है, लगभग 20,000 के आसपास। अगर हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट ऑटोपुल अपडेट की, तो वो भी कोरल लेवल का ही है, सेकेंड राउंड। इससे पहले आपने देखा था जो चार्ट अपडेट हुआ उसमें 9 तारीख तक अपडेट हुआ था, लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो एक दिन बाद मतलब 10/5/2019 को अगर आपने कोरल में अपग्रेड किया अपने लेवल को, तो आपको यहां पर सेकेंड राउंड 32 डीपी का ऑटोपुल रिसीव हो गया होगा। ये आज के दिन ही ऑटोपुल रिसीव हुआ है, और इन्होंने अपने लेवल को अपग्रेड किया था 10/5/2019 को। अगर हम देखें 32 डीपी दोस्तों, तो इंडियन अमाउंट में हो रहा है लगभग 2400 रुपए के आसपास जो इन्हें मिल चुका है। दोस्तों लगातार ऑटोपुल अपडेट हो रहे हैं, अगर आप भी अपने लेवल को अपग्रेड करते हैं इस टाइम में तो आपको भी यहां पर ऑटोपुल मिल गया होगा, और अगर अभी भी आपने अपने लेवल्स को अपग्रेड नहीं किया है तो आपको अपने लेवल को वर्किंग करते हुए अपग्रेड जरूर करना चाहिए, क्योंकि उसका फायदा आपको आने वाले समय में होगा। जैसे ही आपका टाइम भी आएगा आपको भी यहां पर ऑटोपुल मिलेगा। ऑटोपुल कंप्लीट होते हैं दोस्तों जब कोई आपके बाद अपने लेवल्स को उस लेवल में अपग्रेड करता है जिस लेवल में आज आप हो, तो यहां पर आपको यही करना है कि आप अपने लेवल्स को लगातार अपग्रेड करते रहे वर्किंग करते हुए। अब बात करते हैं दोस्तों बैंक विड्रॉल की, तो यहां पर आपको पता ही होगा बैंक विड्रॉल होता है। कई लोग यहां पर नेगेटिव होते हैं, जो नए आए हैं उन्हें ये लगता है कि बैंक विड्रॉल नहीं होता है। जैसे ही 10 डीपी आपके वॉलेट में होता है वो आप विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन 100 डीपी मिनिमम यहां पर आपको चाहिए बैंक में विड्रॉल करने के लिए। और बैंक में विड्रॉल करेंगे दोस्तों तो आपको यहां पर पहले 10% चार्ज कटता था, लेकिन अब 15% चार्ज कटता है बैंक की तरफ से। अगर देखें तो आपको पता चल जाएगा इन्होंने 100 डीपी का विड्रॉल लगाया हुआ था, जिसमें से 15 डीपी डिडक्ट हो गया चार्ज के रूप में, और 85 डीपी इनके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। आप इधर मैसेज के थ्रू भी देख सकते हैं जहां पर जो पैसा है इनके अकाउंट में आ चुका है। तो 100 डीपी यहां पर मिनिमम होना चाहिए बैंक में विड्रॉल करने के लिए। और अगर हम बात करें विड्रॉल कंडीशन आपके वॉलेट में कब आती है, तो जब 10 डीपी आपके किसी भी वॉलेट में, मतलब वॉलेट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक फॉर्च्यून वॉलेट होता है, उसके अलावा जो ऑटोपुल आते हैं वो अलग होते हैं, तो वहां पर अगर आपके वॉलेट में 10 डीपी होता है तो आप उसे मेन वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं, वहां पर विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ऑटोपुल भी अपडेट हो रहे हैं, साथ ही यहां पर फॉर्च्यून इनकम भी लगातार क्रेडिट हो रही है। और अगर आपको आज फॉर्च्यून इनकम का फिफ्थ राउंड रिसीव हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। जहां तक छठे राउंड की बात करें तो वो आज या कल से शुरू हो सकता है। दोस्तों और कोई भी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब हम आपको मिलते हैं किसी और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।